एक सूरह फातिहा 3 दफ़ा, सूरह तौहीद पढ़कर तमाम मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन तमाम उलमा तमाम शहदा अपने मरहूमीन को मेरे मरहूमीन को उस्ताद शहीद सिफ़त जाफ़र शहीद आरिफ हुसैनी के रूह को पढ़कर बख्शे। बिस्मिल्लाह रहमान इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक दफ़ा सलावात नसीब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواحنا للتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائي أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلاة بيت محمد وعلى اللهم صل على محمد. अज़ान मोहतरम माह मुबारक रमज़ान और इस बाबरकत महीने का पहला जुम्मा है और खुदावंद मुताल की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि परवरदिगार ने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और आपस में मिल बैठ कर जो है वो जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद भी अंजाम दें। अब ये महीना कि जहाँ अपने अंदर बहुत सारी बरकतों को समेटे हुए है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इंसान जो है वो इस महीने में अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ मुतवज्जे होता है। जैसे कि आपने भारत नमाज जुम्मे खुतबे में भी मौलाना साहब ने जो है वो खुतबे में बयान किया कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो इस महीने में इंसान को चाहते ना चाहते हुए भी मौका मिलता है कि वो उसको अपलिफ्ट करे। आम ज़िंदगी में इंसान मसरूफ़ रहता है और उस मसरूफियत में, उस भाग दौड़ में लाइफ की हैज़ल ज़ाहिर है, इंसान नान नफका भी वाजिब है, काम भी, बिजनेस भी है, स्कूल भी है, एजुकेशन भी है, तो इंसान थोड़ा सा अपनी तरफ इतना देखता नहीं है। मगर ये महीना एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इस महीने में आपस में जमा हों, बैठें, दिल सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और मस्जिद में इंसान अल्लाह का जिक्र करता है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर इंसान जो है वो आगे की तरफ बढ़ता। खैर बच्चे हैं, कोई मसला नहीं, शोर मचाने देने, ये इनके शोर आपको आवाज़ दे रहे हैं, जो हमारे अंदर का बच्चा रो रहा है उसकी आवाज़ किसी को नहीं आती है। तो ये बहरहाल ये बच्चे अगर आज मस्जिदों में नहीं आएंगे तो ये फिर कल कहीं और जाएंगे, इन्हें खेलने दें, आपको मसला नहीं है। सलावत भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। फ़ज़ान मोहतरम, जिस तरह बहरहाल हम बच्चों को समझाते हैं कि ये ना करो वो ना करो और 100 दफ़ा भी फिर हम उसको कहें मगर फिर भी वो वही करता है, तो खुदा भी बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही है। हम तो नाराज़ हो जाते हैं बच्चों से, लेकिन आप देखिए खुदा हमसे नाराज़ नहीं होता। हम तो गए बच्चे को तुम्हें 10 दफ़ा बोला तुम्हारी समझ में नहीं आती, बाहर निकल लो,
लेकिन आप सोचें हम कितना खुदा की, मैं अपनी बात आपको नहीं खुदा ना खास्ता कह रहा, नाफरमानी होती है, लेकिन खुदा मुझे कभी अपनी बारगाह से बाहर नहीं निकालता। खूब यही फर्क है खालिक में और मखलूक में। मखलूक जो है वो बहुत जल्दी जो है वो फैसले करने लगती है। जैसे हम लोगों को जन्नत में जाने नहीं देना चाहते, ये तो नहीं जाएगा जन्नत में, वो भी नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा तो मैं अकेला क्या करूंगा जन्नत जाके। वैसे ही तो बेहतर है साथ कुछ तो मेरे जन्नत में जाने के लिए, तो बेहतर है कि हम लोग कोशिश करें कि इस महीने में खुद भी जन्नत में जाएं और लोगों को भी जन्नत में लेके जाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान इस महीने से ज़्यादा अवेयर करे। ज़ान मोहतरम मुख्य माह मुबारक का पहला जुम्मा है और आपकी खिदमत में मैं चाह रहा था गुफ्तगू को इख्तिसास दूँ ख़ास तौर पर एक ऐसी मौजू की तरफ के जहाँ बहरहाल हमारे इबादत और नमाज और रोज़ा उसके बगैर कबूल नहीं हो। शेख ने भी बहरहाल आपकी खिदमत में काफ़ी चीज़ें बयान की, अब तो कुछ दिन में और रहा तो इंशाल्लाह मुझे भी फ्रेंच जो है वो थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी। तो वो कि इंसान जो है वो नमाज रोज़ा और ये इंसान कसरत इबादत जो है ये कबूलियत की शर्त नहीं है। जैसा कि बहरहाल आपने हदीस जो है वो सुनी कि तफक्कुर फिक्र फहम करना अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान का। इंसान जो है वो कुरान पढ़ रहा है नमाज पढ़ रहा है मगर उसकी तवज्जो नहीं है, ऐसा नहीं कि खुदा उसको फेंक देगा या कबूल नहीं करेगा ना। मतलब आप कल को ये ना बोलेंगे मेरी तो अभी समझ में नहीं आ रही तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ता, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन यह कि इबादत का जो मैयार है वो इंसान तफक्कुर और फिक्र के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। या यूं कहें कि हमारी जो हदीस हमारे पास है कि इंसान जो है वो इतनी नमाजें पढ़ ले, सब कुछ कर ले, सजदे कर ले, कसरत सजदा, रोज़े रख ले और पूरे पूरे दिन रोज़े रखे और रातों को सजदों में गुजारे, मगर उसके अंदर विलायत नहीं है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। उसकी इबादत कबूल नहीं है। बहरहाल हमारा अकीदा भी यही है और हमारा ईमान भी यही है और हमारा दीन का हिस्सा भी यही है। तो हमारे पास जो एक हदीस है जिसे हम हदीस सकलैन कहते हैं कि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो गिरान बहार चीज़ें, दो भारी चीज़ें, दो सकलैन यानी वजनी चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूँ। एक क्या है, कुरान है कि जहाँ आपने सुना कुरान की तिलावत, कुरान को पढ़ना, ये सारी चीज़। दूसरी इतरत है मेरी, मेरी अहले बैत, मेरा फैमिली जो है, ये दोनों चीज़ें। जो इन दोनों को पकड़ेगा, दोनों से कनेक्ट होगा, वही मुझसे जुड़ेगा। अब अगर हम एक चीज़ को पकड़ लें और दूसरी को छोड़ दें तो असल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है आपने सही तरह उसको लिया ही नहीं है। यानी अगर कोई सही कुरान को हासिल करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको अहले बैत समझ में ना आए। और अगर कोई सही अहले बैत की तरफ मुतवज्जे होता है और बोले कि जी मुझे कुरान नहीं है मेरी ज़िंदगी, उसका मतलब वो अहले बैत को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अली माल कुरान व कुरानुल माल अली है, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। ये चीज़ें जुदा नहीं है दोनों एक दूसरे से। कि वो जो है वो इब्ने अब्बास से भी रवायत है कि कुरान की तिलावत और मौला के फजाइल बयान कर रहे हैं तो हाकिम वक्त ने कहा कि तुम अली के फजाइल बयान करना छोड़ दो, बंद करो। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि क्या मैं कुरान की तिलावत छोड़ दूँ। तो बात ये है कि वो जो चीज़ है वो वही है जो कुरान के अंदर है। अब ये मेरे अपना अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने एक्सट्रैक्ट क्या किया है इन हस्तियों से और मैंने उसको कैसे लिया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान कुरान की तरफ देखे और उसको इमाम याद ना आए या वो इमाम की तरफ मुतवज्जे हो और वो कुरान की तरफ अट्रैक्ट ना हो। आज जुम्मे का दिन है, जहूर का मुतवक्का दिन है, लेकिन इमाम नहीं आए और हम में से कितनों का दिल उदास हुआ, कितनों का दिल आज परेशान हुआ कि आज मेरे इमाम को आना था मगर इमाम नहीं आए। मैं बहरहाल आपको तो नहीं कह सकता, मैं अपने आप को स्क्रूटनाइज कर सकता हूँ कि मैं अपनी मसरूफियत में, मैं अपने दिन में बिजी, मैं अपनी चीज़ों में बिजी कि मेरा ये काम हो, मेरी ये चीज़ होनी चाहिए, मेरा वो, लेकिन मुझे अपना इमाम याद नहीं आया आज। और ना मैंने सोचा कि इमाम को आज आना चाहिए था। मैं
इंतज़ार नहीं करी भी मौलाना साहब ना आए तो आपका नमाज का वक्त हो जाए और आप घड़ी को यूँ यूँ देखेंगे और यूँ देखेंगे कि यार मौलाना किधर रह गए, और वो भी मगरिब की नमाज़ हो अफ्तार से पहले, तो आपको और टेंशन होगी कि आएंगे तो पढ़ाएंगे तो अफ्तार करेंगे। लेकिन आप सोचें कि हमने कभी ज़िंदगी में एक नमाज में एक लम्हे में कभी दरवाजे को देखा कि इमाम क्यों नहीं आ रहे, खुद ये हम अपने आप से सोचें। मगर क्या इमाम हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है? मगर क्या आज हम इमाम की तरफ मुतवज्जे नहीं है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम अभी तक किसी और फेज में हैं, हम ये मुतवज्जे नहीं हो पा रहे कि इमाम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं या हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं तो इमाम खुद आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो खुद कैसे ठीक होगा सर? जब तक हम खुद सही नहीं होंगे, खुद अपने आप को इस काबिल नहीं करेंगे कि हम अपने इमाम तक पहुँचे जाकर। जाने मतलब आपके पास रिवायत है, क्योंकि देखिए असल जो रमज़ान है वो इमाम ज़माना का है। रमज़ान यानी यकीनन खुदा का महीना है, ज़ियाफ़त इलाही है, लेकिन इसके अंदर जो राज पिनहान है वो इमाम ज़माना है। क्योंकि अगर रमज़ान है, शब कदर है, मलाइका नाजिल हो रहे हैं, तो मलाइका किसके ऊपर नाजिल हो रहे हैं? कुरान की जो आयत है सूरह कदर जो आप पढ़ते हैं कि तनज़्ज़ुलुल मलाइका तो वर्रूह, मलाइका नाजिल हो रहे हैं। कुरान में किसी मुफस्सिर ने ये नहीं कहा कि ये मलाइका पहले नाजिल होते थे अब नाजिल नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सीगा है, यानी नाजिल होते हैं, हर साल होते हैं और हो रहे हैं, तो किसके ऊपर नाजिल हो रहे हैं? आपके ऊपर हो रहे हैं, मेरे ऊपर हो रहे हैं, किसी जगह पे हो रहे हैं? नहीं, यानी कोई तो है जो उन मलाइका को एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है। वो मलाइका जो लेकर उतर रहे हैं उस ज़र्फियत को, उस कल्ब के अंदर इतना सब कुछ है कि वो जो लेकर आ रहे हैं उसको अपने वजूद में समा सकता है। वो कोई और हस्ती नहीं हो सकती सिवाय वली खुदा के, हुज्जत खुदा के। वो अगर वो है तो वो कल्ब माह रमजान है। लेकिन क्या हम उस कल्ब की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? या हमारी जिंदगी इमामत की तरफ सैर कर रही है, ट्रैवल कर रही है कि नहीं कर रही है? वो मेरी जिंदगी तो अपनी ट्रैवल कर रही है, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा ये, मेरा वो, फिर मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, फिर वो यहाँ एजुकेशन हासिल करेगा, फिर वो यहाँ चला जाएगा, फिर वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, फिर वो शादी होगी। ये अच्छी बात है, इसमें कोई चीज़ हराम नहीं है, सब हलाल है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस पूरे कैरियर में, ये जो मैं कैरियर पाथ डिफाइन करता हूँ अपना, अपनी फैमिली का, इस पूरे पाथ में इमाम ज़माना कहाँ है? पूरे पाथ कहाँ है? मतलब कभी अगर इमाम का ज़हूर हो जाए तो क्या मेरे लाइफ के हाईवे पे, मोटरवे पे एग्जिट है कि मैं यहाँ से फौरन ज़हूर की तरफ चला जाऊँगा? या मैंने अपनी लाइफ में इतनी गुंजाइश बनाई हुई है? ये तो बिल्कुल ऐसी है कि मतलब अभी कोई बोले ये काम करना, अरे नहीं मां साहब अभी तो बड़ी मसरूफियत है, कहाँ अभी तो यहाँ जाना, अभी तो वहाँ है, अभी तो ये, जब इमाम आएंगे तो क्या होगा? जाने मोहतरम अली इब्ने महज़यार, आपने सुना है, इतना आपने नाम सुना हुआ है अली इब्ने महज़यार का, और पिछले दिनों तराना भी जो बहुत मशहूर हुआ था उसके अंदर भी अली इब्ने महज़यार बादशाह, यानी कि मैं भी काश अली इब्ने महज़यार होता इमाम के लिए। वो अली इब्ने महज़यार अहवास का रहने वाला है। मैं इस वाक़े को कई दफ़ा तकरार करता हूँ, क्योंकि असल उस वाक़े के अंदर जो लेसन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अली इब्ने महज़यार 20 साल हज करने खाना काबा जाता है। क्यों जाता है 20 साल? क्योंकि उसे पता है कि वक्त का इमाम के बगैर हज मुमकिन नहीं है। तो चक्कर में कि मैं जाऊंगा तो इमाम से मुलाकात हो जाएगी। 20 साल कंटिन्यू जाता है मगर इमाम से मुलाकात नहीं। उसका दिल टूट जाता है, मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, और फिर कहता है कि मैं अब नहीं जाऊँगा। तो अभी होता है तो उसको पैगाम आता है कि इस साल तुम हज पे आओ, तुम्हारी इमाम से मुलाकात हो जाए। तो बहरहाल ये पहुंचता है, जाता है, खाना काबा का तवाफ कर रहा होता है तो इमाम का मैसेंजर आता है और उसको हाथ रखता है, कहता है चलो इमाम ने बुलाया है। और वो वक्त आ जाता है जिसके लिए उसने इतनी जहमत की होती है। जैसे ही जाने लगता है तो वो जो मैसेंजर होता है, कासिद जो इमाम की तरफ से आता है, वो उससे एक सवाल पूछता है। और ये सवाल उसका अली इब्ने महज़यार से नहीं, ये सवाल उसका हम सबसे है।
सवाल क्या पूछता है? वो पूछता है कि तुम्हारे लिए इमाम क्या है। अभी सवाल हम अपने आप से पूछे, जाने वक्त मेरे लिए इमाम क्या है, मेरे पास वन लाइन डेफिनेशन क्या है इमाम की, अपने लिए मेरे लिए इमाम क्या हैसियत रखता है। तो वो जाहिर है, वो अली इब्ने मेज़ियार 20 साल हज इमाम की खातिर, इमाम जो हज तो खुदा की खातिर वाजिब है, लेकिन इमाम की ज्यारत के लिए कर रहा था। अब सोचें उसका जवाब, वो कहता है मेरे लिए इमाम पूरे आलम से सबसे ज्यादा महबूब है। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, महबूब है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं पूरे आलम में, वो इमाम है। वो बड़ा बेहतरीन जवाब, इससे अच्छा और का जवाब क्या हो सकता है कि यानी कोई और चीज नहीं है, सिर्फ इमाम है मेरी जिंदगी में। बस ये कहकर अभी एक चंद कदम बढ़ते हैं तो जाहिर है जो इमाम का मैसेंजर है वो कोई आम आदमी तो नहीं है। जिसे इमाम भेजे किसी को लेकर आओ, उसका मतलब वो इमाम के बड़े करीब है, और फिर उसकी अपनी पर्सनैलिटी, उसकी मारिफत बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने फौरन अली इब्ने मेज़ियार का दिल स्कैन कर लिया। जब उसने बोला ना कि मेरे इमाम जो है वो महबूब है, तो उसने स्कैन किया इसका दिल, ये बात कहता है कि नहीं कहता। जैसे ही स्कैन किया तो उसने बोला अगर तुम्हें इमाम महबूब है तो तुम्हारे दिल में तुम्हारे घोड़ों का ख्याल क्यों आ रहा है। उस जमाने में लोग जाहिर है जब हज पे आते थे तो सवारियां क्या थी, घोड़े हैं, ऊंट हैं, सारी चीजें हैं, तो उसने कहीं बांधे होंगे अपने घोड़े। अभी मैं आपको बोलूं कि चलें साथ चलें, तो आप बोले मेरी गाड़ी तो पीछे पार्क हुई, मगर छोड़े गाड़ी आप चलें, आप नहीं, मेरी गाड़ी पीछे पार्क हुई हुई है, जबकि मैं आपको शायद जो है वो स्पेसशिप पे ले जाने के लिए मुंतजर हूँ, फिर भी आपका जहन कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा इंशाल्लाह आपका। लेकिन अली इब्ने मेज़ियार ने उसका जहन, वो इमाम लेने आए हुए उसको इमाम की तरफ जा रहा है, तो उसके जहन में उसके क्या आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, हॉर्स, मेरे घोड़ों का क्या होगा। ये जाने मत कितनी बारीक है, कितना थिन लाइन है इंसान के अंदर। बहरहाल वो उसको ले जाता है, पहुंचता है, कहता है वो जो पहाड़ है काबा के उसकी तरफ जाता है, तो कहता है मैंने देखा कि एक नई जगह है, मैंने पहले कभी देखी नहीं है, ऐसी ग्रीनरी है और सरसब्ज है। तो देखता है कि एक कैंप लगा हुआ है और एक नूर आ रहा है, तो मैं अंदर जाता हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो इमाम तशरीफ रखे हुए हैं और इमाम मुझे देखते हैं, तो इमाम क्या कहते हैं, अली हम तुम्हारे दीदार के मुश्ताक थे, यानी हम तुम्हें देखना चाहते। अल्लाह, यानी कितना खुशकिस्मत है अली इब्ने मेज़ियार कि इमाम उसे देखना चाहते थे, इमाम उससे मिलना चाहते थे। काश के हमारे लिए भी इमाम ऐसा कहें, हम कहीं हों और इमाम कहें कि हम तुम्हारे दीदार के मुश्ताक हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है पहले खुद इंसान के अपने अंदर भी तड़प पैदा हो तो इमाम मुश्ताक होंगे। जाने मौतर अली इब्ने मेज़ियार अजीब सी जुमला कहता है, यानी आप सोचे इमाम कहें कि मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूँ, और वो कह रहा है कि मौला मैं तो 20 साल से आता इसलिए हूं कि मैं आपसे मुलाकात करूं, और आप फरमाते हैं कि आप मेरे दीदार के मुश्ताक। तो इमाम फरमाते हैं हाँ अली, तुम्हारे और हमारे दरमियान में तुम्हारा अमल रुकावट था। वह जाने मोहतरम हम खुद रुकावट हैं। हम कहते हैं कि इमाम नहीं आ रहे, या इमाम है, अयतुल्लाह उज़्मा बहजत से किसी ने पूछा कि मतलब इमाम कहाँ है, हम इमाम को देख सकते हैं, या इमाम कब आए, तो उन्होंने कहा कि इमाम तो हाजिर है, तुम गायब हो। असल में हम गायब हैं, इमाम तो हाजिर है, हम गैबत के अंदर हैं, हम गुमशुदा हैं, असल में हमें अपना नहीं पता, हम खोए हुए हैं, हम अपने हमारी अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट है। इमाम तो इमाम है, इमाम तो इमामत है, इमाम तो हाजिर है, इमाम तो कुरान कह रहा है, सूरह आप देखें कि सूरह तौबा का गालिबन है कि परवरदिगार जो है वो रसूल खुदा से कह रहा है, ए रसूल कह दो इनको कि ये अमल किए चले जाएं, अल्लाह उनका रसूल और मोमिनीन की एक जमात देख रहे हैं। यानी देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं, और मोमिनीन की एक जमात देख रही है इनको, ये अपना अमल किए चले जाएं। और ये अमल ऐसा नहीं है
आप अमल करेंगे यहाँ से कोई उठेगा तो मैं देखूंगा, नहीं ये ऐसे नहीं देखते। ये तो अंदर इंसान जो है वो सोचे तो अभी इरादा करे तो इनको पता चल जाता है कि क्या करें। इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम का चाहने वाला है, इमाम की खिदमत में आता है और इमाम को अर्ज़ अदब करता है, तो इमाम उसका हाल अहवाल पूछते हैं। इमाम उसे पूछते हैं तुम्हारे भाई के क्या हाल है, उसके भाई के बारे में पूछते हैं। तो इमाम कहते हैं मौला ठीक है मगर आपके मामले में एहतियात करता है, यानी एहतियात क्या करता है, यानी आपकी इमामत पे थोड़ा सा डाउटफुल है, मतलब सही है नहीं है, तो इस मामले में एहतियात करता है। तो इमाम फरमाते हैं आप देखें इमामत, ये बताना चाहते थे कि इमाम किसे कहते हैं। इमाम ने कहा तो फिर अपने भाई से कहना कि अगर एहतियात पे अमल करता है तो उस दिन एहतियात पे अमल क्यों नहीं किया इसने, फलाने दरख्त के नीचे इसने एहतियात पे अमल क्यों नहीं किया। अब इसको तो नहीं पता था क्या हुआ, बहरहाल ये वापस गया, इसने जाकर अपने भाई से पूछा, कहा कि मैं मौला की खिदमत में गया था तो मौला ने तुम्हारा पूछा तो मैंने कहा एहतियात पे अमल करता है, तो कहा इमाम ने कहा तो अपने भाई से पूछो कि उसने उस दरख्त के नीचे फलाने सफर में एहतियात क्यों नहीं किया। तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया, तो जब इसके चेहरे की एक अजीब सी कैफियत हुई तो कहा कि क्या हुआ, कहा कि मगर इमाम ने ये तुमसे कहा, कहा तो कहा स्टोरी क्या है माजरा क्या है, कहा कि मैं एक सफर पे था, मेरे साथ एक ताजर था उसकी कनीस थी, मेरा दिल जो है उसकी कनीस पे आया तो मैंने बहाने से ताजर को कहीं भेजा मगर वहां कोई भी शख्स नहीं था, मैं अकेला था। खूब इमाम जाने होता कि अब आप ये समझें कि हमें कोई नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा है, तो खुदा के साथ साथ और कौन देख रहा है, इमाम इमाम को हम समझे नहीं है। हमें अभी तक खुदा ना खास्ता में ही नहीं कह रहा कि आपको इल्म नहीं है या नॉलेज नहीं है, नहीं हम बात बात है क्योंकि मोस्टली शिया हजरात हैं 55 से, इमाम कितने हैं 12, इमाम का नाम क्या है, ये इमाम की वालदा का नाम क्या है, इमाम की पैदाइश क्या है, खत्म। उसके अलावा इमाम कौन है, इमामत क्या है, इमामत कितनी इम्पोर्टेंस है, इमाम का वजूद कायनात में कितना इम्पोर्टेंट है, इमामत की ज़रूरत क्या है आज के दौर में, हाउ वी कैन डिफाइन इमामत आज के दौर में, क्या इमाम की ज़रूरत है आज के दौर के अंदर, क्या दुनिया की मुश्किलात का हल इमामत के पास है या नहीं है। आज जो दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, हर चीज़ जो है वो रोबोट होती जा रही है, मैन मशीन में कन्वर्ट हो गया है, दुनिया जो है वो स्मार्ट सिटीज बनते जा रहे हैं, इंसान जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की बातें कर रहा है, कायनात को मुसख़र कर रहा है इस पूरे सिस्टम के अंदर, कि जहाँ जो है वो गूगल परेशान है, चैट जीबी का नया वर्जन जो है वो लॉन्च होने वाला है, वो पता नहीं कितने ट्रिलियन जो है वो कंप्यूटर एक साथ करेंगे। खूब इस दौर में इमाम की ज़रूरत है, आप अपने आप से पूछो आप इमाम को क्या समझते हैं, आपके लिए इमामत क्या है। जब तक आपके लिए इमामत क्लियर नहीं होगी तब तक आप इमाम का इंतज़ार कैसे करेंगे, जब आपको यही नहीं पता कि आने वाला शख्स कौन है और उसके पास क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उसे खुदा ने क्यों रखा हुआ है। जब ये पता ही नहीं है बोलेंगे कि हमें क्या पता मौलाना, हमें तो ये कहा गया इमाम आएंगे गर्दनें काट देंगे, बस हमें तो यही सिखाया गया है, वो तो हम कैसे इमाम को जाने। मोहतरम इमाम रिवायात हैं कि जब तक इमाम का जहूर नहीं होगा, इंसान इतनी तरक्की जो कर रहा है, इतना जो इंसान फ्लोरिश हो रहा है, नॉलेज सिस्टम एनहांस कर रहा है, ये सब 2% होगा, यानी दो वर्ड्स हैं। जब इमाम आएंगे तो यही ब्रेन 25 वर्ड्स लर्न कर लेगा, यानी अभी दुनिया कितनी तरक्की कर गई आपके सामने, कहाँ इंसान जो है वो स्पेस पे जाने की बातें कर रहा है और क्या क्या कर रहा है, ये सब कुछ भी नहीं होगा उस वक्त जब इमाम जहूर करेंगे, यानी अकलें रुष्ट कर जाएंगी, ब्रेन जो है वो एनहांस हो जाएगा। तो क्या हम अपने आप को इस काबिल रखा है कि हम अपने ब्रेन को इतनी कैपेबिलिटी दे पाएंगे, तो वो तभी मुमकिन है जाने मोहतरम, कि जब तक आप मुतवज्जे नहीं होंगे
ये जो दो चीजें रसूल खुदा ने कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो इन दो चीजों को कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो नहीं होगा। माह मुबारक रमजान कुरान की बाहर का महीना है, यानी कुरान का महीना है, यानी क्या, यानी इमाम का महीना है, यानी कुरान वही है जो इमाम है, इमाम वही है जो कुरान है। आयतुल्लाह उसमें बैजत से किसी ने पूछा कि वहां हमें इमाम को देखना है, हम क्या करें अभी, क्या चिल्ले काटें या मतलब वजीफे करें, क्या करें। मतलब हमसे भी लोग पूछते हैं, मौलाना आप इतना इमाम का जिक्र करते हैं, आपकी तो मुलाकात हो ही गई होगी इमाम से। मेरी बेटी ने मुझे पहले कहा था, माशाल्लाह बड़ी हो गई, मुझे अक्सर कहती थी, बाबा इनका हर्फ पे इमाम भी जानी चुमा गया इमाम रा दीदी, यानी इतना तो इमाम की बात ही करते हो, तुमने तो बाबा इमाम को देखा होगा। मैंने लगा ये बेचारी गुनाहगार आंखें हैं, ये भी तरस रही है कि शायद हमें देखा भी हो तो जब तक इमाम चाहे नहीं, आप नहीं पहचान सकते इमाम को। आपकी जिंदगी में इमाम आपके पास से गुजर भी जाते हो, लेकिन क्योंकि जब तक इमाम इजाजत नहीं दे, हम इमाम को नहीं देख सकते। आयतुल्लाह उसमें बैजत से किसी ने पूछा कि अगर हम इमाम को देखना चाहते क्या करें, तो उन्होंने क्या फरमाया, कहा कुरान खोलो और कुरान को देखो। कुरान क्या है, इमाम। हम कितना कुरान को खोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक है इसमें तो इंसान कुरान को खोलता है, देखता है। कुरान का देखना सवाब, कुरान का सुनना सवाब, कुरान का पढ़ना सवाब। तो ये इंसान जो है वो बहरहाल प्रैक्टिकली मगर वही है कि बगैर सिर्फ आप देखते रहें सुनते रहें, फिक्र तफक्कुर ना करें, तो अज़ान मोहतरम हम नहीं पहुंच सकते। वो जो डिजायर्ड प्लेस है हमारी, उस तक पहुंचना आसान नहीं। खूब ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने इनर की तरफ मुतवज्जे हों। माह मुबारक रमजान ये हमें मौका दे रहा है कि बहरहाल हम अपने आप को स्कैन करें, इससे पहले कि हमें कोई और स्कैन करे, हम अपने आप को खुद स्कैन करें और बंदगी और अबूदियत की तरफ लेके जाएं। ये जो बहरहाल इबादत और बंदगी है, ये इससे कि आप काउंटिंग करते रहें और हाथ में तस्बीह पकड़ते रहें और आप बोले मैं इतने सजदे कर रहा हूँ, इससे नहीं होगी। बंदगी इबादत जो है वो हर हाल में बंदगी है, चाहे आप काम पर हों, चाहे आप बिजनेस पर हों, चाहे आप बाजार में हों, चाहे आप मस्जिद में हों, ये बंदगी ही आपको आगे की तरफ लेके जाएगी। हमारे उस्ताद वाकया बयान करते हैं, बहरहाल सदर इस्लाम का था, रावी ने वाकये को बयान किया कि मदीना में जो है वो बारिश नहीं हो रही थी और लोग नमाज पढ़ रहे हैं जो बारिश के लिए और दुआएं कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैंने देखा कि एक हबशी गुलाम, काला गुलाम ब्लैक जो है, वो अपने रुखसार को खाक पे रखकर जो है वो खुदा की बारगाह में क्या कह रहा है कि परवरदिगार अगर बारिश नहीं आई तो मैं अपने रुखसार को, अपने चेहरे को हटाऊंगा नहीं खाक। कहा अभी उसके जुमले पूरे नहीं हुए थे, बारिश शुरू हो गई। कहा मैंने उसका पीछा किया कि ये कौन है कि जिसके अल्फाज खुदा रद्द नहीं कर रहा। जब मैंने देखा तो उसको देखा कि वो मदीना में कूचा बनी हाशिम में गया और कूचा बनी हाशिम में छठे इमाम के घोड़ों को पालने वाला गुलाम था। गुलाम उस मकाम पर है तो आका कहाँ होगी? क्यों? क्योंकि गुलाम बंदगी कर रहा है, बंदा बन रहा है, यानी बंदा है। और जिनको अहले बैत की नौकरी मिल जाए उसके पास नौकरी की जरूरत है। तो हम अपने आप को अगर इमाम जमाना का नौकर समझते हैं, इमाम जमाना के लिए काम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जाने मशहूर वाकया कि एक गुलाम छठे इमाम की खिदमत में आता है, कहते हैं मौला वो फलाना शख्स आया है और उसने मुझे ऑफर दी है कि मैं खुरासान का हूँ, मेरे वहाँ बाग हैं, मेरी ज़मीनें हैं, मेरा घर है, जायदाद है, ये सब ले लो और मुझे ये जो तुम नौकरी करते हो इमाम की मुझे दे दो। तो इमाम ने कहा तुम्हारी मर्जी है, जाना तुम लेना चाहो जाओ। जब जाने लगा तो इमाम ने क्या कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो एक, कहा कि जो इस दुनिया में जितना हमारे करीब होगा उस दुनिया में भी हमारे उतना ही करीब होगा। तो हम अपने इमाम के कितने करीब हैं? कम से कम जुम्मे का दिन स्पेसिफिक हमारे पास होना चाहिए कि हम अपने इमाम को जान, अगर जुम्मे के दिन भी याद नहीं करेंगे फिर कहाँ पूरे हफ्ते, तो वैसे हम कुछ भी हम अपने आप को याद नहीं करते, इमाम को कहाँ याद करेंगे। तो एटलीस्ट हमारी लाइफ में इसको इसको स्केजुलाइज करें, इसको सिर्फ इसमें ना कहो साहब जुम्मे की मैं ज्यारत पढ़ ली तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, ज्यारत पढ़ रहे हैं इट्स वेरी गुड, आप इमाम की ज्यारत पढ़ें, दुआ नुतबा पढ़ें,
चाहे थोड़ी सी देर पढ़े, दो जुमले पढ़े, चार लाइन पढ़े, वो भी है, लेकिन याद करें। और याद जो है वो ड्यूटी लेकर आती है। यानी याद करेंगे मतलब ये नहीं बस मैं याद करूं फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाऊं, नहीं। यानी जब मैं याद कर रहा हूं तो आई हैव टू डू समथिंग, तो मैं प्लान करूं, कोई चीज स्ट्रेटजी बनाऊं, कोई आधा घंटा एक घंटा इमाम जमाना के लिए निकालूं अपने लिए प्लान में, अपने चार्ट में। तो व्हाट कैन आई डू एक्चुअली फॉर इमाम, जहां आप इतना अपने लिए सारे काम करते हैं, अपनी प्लानिंग, अपने स्केड्यूलाइजिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, सेल्स की, जॉब की, बिजनेस की, स्टडीज की, वो वहां हमारे पास पूरे हफ्ते में एक घंटा नहीं है, हमारे पास आधा घंटा नहीं है इमाम जमाना के लिए। तो हम उसके लिए कुछ अपने हिसाब से स्केड्यूलाइज करें। तो ये कैसे दुनिया चेंज कैसे होगी मुझे आप ये बताएं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं और हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, और आपको पता है कि हर बुक्स में, हर मजहब की किताबों में इमाम का जिक्र है। नाम डिफरेंट है, हिंदुओं की बुक के अंदर, बुद्धिस्ट जो है उनकी बुक्स में कोई और नाम है, मतलब कोई पर्सनैलिटी है जो आएगी दुनिया को अदालत से भरेगी। क्रिश्चियंस की बुक के अंदर भी, चाहे वो ओल्ड टेस्टमनी है चाहे वो न्यू टेस्टमनी है, उनके अंदर भी इमाम का, मेहदी है, जो हजरत ईसा हैं, हजरत ईसा के अलावा मौत का जो जिक्र है वो हजरत ईसा के अलावा है। यानी खुद हजरत ईसा के जुमले हैं आखिरी इमाम के बारे में कि उसका इंतजार ऐसे करो कि जैसे तुम्हारे घर में तुम्हें पता हो कि रात को कोई डाका डालने आएगा तो तुम कैसे बेदार रहोगे, कहा उस तरह मौत का इंतजार करो, गफलत में मत रहो। वो भी इंतजार कर रहे हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो चीजें हैं वो हमारे पास। और अगर हम अपने इमाम के लिए ग्राउंड नहीं बनाएंगे तो जाने वो तो आप दुआ इब्तिदा पढ़ते हैं, आप उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इमाम की हुकूमत के बारे में आप पढ़ते हैं, इमाम के दुश्मन के लिए आप अदावत करते हैं, इमाम के जहूर के लिए आप जमीना फराम करते हैं। दौलत करीमा क्या है दुआ इब्तिदा के अंदर, उन्होंने सवाब कहा बस दुआ इब्तिदा पढ़ो, सवाब कमाऊं घर जाऊं। दौलत करीमा कौन है? मदीना फाजला, जो इबन अरबी या ये अबू अली सीना, एरिस्टोटल, ये एपोक्लिप्स, ये कौन सा सिटी है? आज दुनिया स्मार्ट सिटी और वो ऐसा सिटी की जिसमें जो है वो पोल्यूशन नहीं होगा, लो एमिशन होगा, सारे चीजें होंगी। खूब ये कॉन्सेप्ट इमाम की हुकूमत का है, हम इसको क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि हमें अपने इमाम के लिए ऐसे शहर बनाने हैं, ऐसे शहर बनाए कैसे होंगे कि जहां लोगों की तरह न सिर्फ जाहिर बल्कि बातिन पाक होगा, बातिन इतना पाक होगा कि किसी को किसी से कोई हसरत नहीं होगी। खातून जो है वो सोना अगर अपने सर पे लेके जा रही होगी तो कोई लालच की निगाह से नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि हसन पुर होगी उसकी जिंदगी, उसकी जिंदगी में दुनिया की हसरत नहीं होगी, लालच नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी कि किसी और की चीज को देखकर बोले वो मैं इससे छीन लूं या मैं इससे ले लूं। तो व्हाई वी आर नॉट स्टार्टिंग टुडे, हम आज क्यों नहीं शुरू करते? आज अपनी कम्युनिटी से शुरू करें, आज अपने घर से शुरू करें कि हम ऐसा बनाएं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहें, एक दूसरे की चीजों को मतलब गलत निगाह से ना देखें। जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, अपने सेंटर को ऐसा बनाएं कि ये स्मार्ट सेंटर हो दुनिया का, मतलब छोटा सा सेंटर है, इट डजंट मैटर आपका सेंटर छोटा है, दुनिया में बड़े बड़े सेंटर हैं, आपका जितना भी माशाल्लाह बेहतरीन है। असल स्मार्टनेस ये होती है कि आप करीब हैं एक दूसरे के, क़ुर्ब है आपके अंदर, मोहब्बत पाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट करें कि हम अपने सेंटर को दुनिया के बेहतरीन सेंटर में कन्वर्ट करें। तो बहरहाल आपका अपना मुल्क भी दुनिया में, बहरहाल इसका नाम तो है, एक अच्छा नाम है, पूरी दुनिया आती है, ट्रैवल करती है, यू हैव अ बिग स्पेस। Why we are not in tourism industry? आप tourism industry में क्यों नहीं है अगर कोई नहीं है तो? क्योंकि tourist आता है पूरी दुनिया का, you can inject information of इमाम ज़मान, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं उसके पास, लेकिन क्योंकि हमारा ब्रेन ऑफ है, बस नॉर्मल मजलिस अदाधारी, बस सवाब हो गया मौलाना, बस पैक कर दे क्या, कैसे आप मुझे बताएं? क्या हम इस हालत में इमाम का इंतजार कर रहे? इमाम का इंतजार कैसे किया है लोगों ने? इमाम का इंतजार लोगों ने अपने वजूद को कुर्बान करके किया है। इमाम का इंतजार करने वाले जागते रहे, इमाम का इंतजार करने वालों
को जब मैसेज मिला, हमारे पास बेस्ट मिसाल क्या है, करबला। करबला में जिसको इमाम का मैसेज मिला रुका है वो, जो वाकई इमाम को मानता था चाहे वो कहीं पे भी था, क्या चाहे वो जॉन हो जैसा गुलाम हो, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसी एक बड़ी शख्सियत हो, बुजुर्ग हो, या वहाब इब्ने कल्बी जैसा नया नया कन्वर्टेड मुसलमान, जब मैसेज दिया गया रुके नहीं है। मुस्लिम इब्ने औसजा कूफा के बाजार में जब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने देखा कि मुस्लिम क्या कर रहे हो, कहा खिजाब खरीद रहा हूं कलर, कहा चलो हुसैन इब्ने अली करबला आ गए, ऐसा खिजाब लगेगा तो कयामत तक याद रखा जाएगा। तो मुस्लिम घर नहीं गया कि मैं घर जाऊं घर वालों को बताऊं, नहीं, स्ट्रेट करबला गया। क्यों? इमाम, आज आप जुम्मे की ज़ियारत में पढ़ते हैं ना, सलाम अलैका या ऐनल हयात, जिंदगी क्या है, इमाम है वो। जब तक ये मेरे लिए डिफाइन नहीं होगी जिंदगी कि मेरी जिंदगी, मेरी हयात, मेरी मौत इमाम है, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। अजाने मौत, मैं तो बस अपना चैप्टर, अपना काम, अपना बिजनेस, तब चाहे मैं मौलाना हूं, मेरा मजलिस, मेरा पैकअप चल रहा है, मुझे क्या चल रहा है। तो इमाम आए, इमाम आ जाएंगे तो मेरी तो मजलिस बंद हो जाएंगी। मैं तो बोलूंगा भाई मौला ना है तो मेरा अपना बिजनेस चल रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, लोग मुझे कहाँ बुलाएंगे, इमाम आ जाएंगे। तो ये मुझे अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं इमाम का एम्बेसडर हूँ या अपनी नफ्स और अपनी जात का एम्बेसडर। खूब अगर मैं कहीं जाता हूँ तो क्या मैं लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता हूँ या इमाम की तरफ मुतवज्जे करता हूँ। जाने में उतना खूब, ये हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है। हम कब तक अपने पास्ट में जिंदा रहेंगे, वी हैव टू वर्क फॉर द फ्यूचर। हमें आगे की तरफ बढ़ना है, अपने आप को, अपनी सोसाइटी को। यू हैव टू स्टार्ट विद योर ओन कम्युनिटी। आपकी जनरेशन जो है वो अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी तालीम ले, अच्छा पढ़े, और कल इमाम का एम्बेसडर होना चाहिए हर जगह। इमाम की गुफ्तगू करे, दुनिया मुंतजर है, दुनिया के पास सोल्यूशन नहीं है। आपके सामने इस टाइम दुनिया के हालात, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कोलैप्स हो रही है, बैंकिंग सिस्टम जो है वो सब, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, सब कोलैप्स हो रहा है। Nobody have the solution for the humanity. सिर्फ इमाम के पास जो है वो इंसानियत की बका है। तो आए हम अपने इमाम की तरफ बढ़े अज़ाने मोहतरम, ताकि हम अपने इमाम के आगे शर्मिंदा ना हो। कयामत वाले दिन वो हदीस के रावी कहता है कि मैंने देखा कि मदीना में जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कि बीबी जो है वो जंग ओहद के शहदा की कब्र पर बैठी हुई है। तो वो कहता है कि मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा कि अब देखूं मौका अच्छा है, मैं इनसे सवाल करता हूं। तो उसने सवाल किया, कहा कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम हक पर थे तो उन्होंने कयाम क्यों नहीं किया, यानी उन्होंने खड़े क्यों नहीं हुए, वो मतलब स्टैंड क्यों नहीं लिया उन्होंने अगर वो हक पर थे। तो बीबी ने हदीस बयान फरमाई, बीबी फरमाती है कि इमाम की मिसाल काबे के जैसी, यानी खाना काबा जो है उसकी इमाम की मिसाल खाना काबा जैसी है। खाना काबा चलकर लोगों के पास नहीं जाता, लोग चलकर खाना काबा का तवाफ करते हैं। इमाम उम्मत के बगैर कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि इमाम का डेजिग्नेशन नहीं है, नहीं, उम्मत यानी ये उम्मत। जब इमाम को जाहिरी खिलाफत मिली तो इमाम ने क्या फरमाया कि लोगों ने बोला मौला आपने पहले क्यों नहीं ले ली थी, कहा इमाम फरमाते थे कि मेरे बाजू कटे हुए थे। बाजू, कहा उम्मत इमाम के बाजू है। तो आज हम जो कहते हैं कि आज 313 होने चाहिए, 313 तो बच्चे सवाल करते हैं कि अभी तक 313 नहीं हुए, इतने हजारों लोग हैं 313 नहीं हुए। 313 तो कमांडर है, वो तो उनके तो नाम भी लिस्टेड है, वो तो नाम भी डिफाइंड है उनके। 313 का मसला नहीं है, 313 के नीचे का मसला है, जहां उन्होंने कमांड करनी है,
313 के बाद जो लिस्ट है, कहीं 15,000 है, जो 10,000 है, वो रेडी नहीं है अभी। वो जो वसत है, जो सेंटर है, सेंट्रल कमांड जो है ना, वो रेडी नहीं है। तो उसको रेडी करना है। और मैंने देखा है गाड़ी का नंबर भी 313 है यहाँ पर। तो बात यह है कि अच्छी बात है, लेकिन ये कि अंदर 313 होना चाहिए। वो इंसान जो है वो 313 की तरफ बढ़े। बस अजाने मोहतरम, हम अपनी गुफ्तगु को जो है वो समेटता हूँ। बहरहाल अभी तो काफ़ी दिन मैं आपके दिमाग को और अपने आप को दरमियान में मौजूद हूँ। इंशाल्लाह खुदा बहरहाल हमें तौफीक दे और इसको कबूल करे। अजाने मोहतरम, बस आखिर में यही कि हम अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें और वो क्वालिटीज़ को सीखें, लर्न करें कि जो हमारे इमाम के काम आ सकती हैं। वाखर दवाना अलहमदिल्ला रबीन। परवरदिगार तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तूने इतना बेहतरीन महीना दिया जिसमें रहमतें हैं, मगफरतें हैं और जहन्नम की आतिश से निजात है। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हमारी पहली दुआ यह है कि हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों, उनके मददगारों में शुमार फरमा। परवरदिगार हाजरीन मजलिस महफिल की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। हाजरीन में अगर कोई मरीज़ हैं या उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार मरीज़ हैं, परवरदिगार उन्हें शिफाए कामला और आजला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिस्क हलाल अता फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं रिस्क में तरक्की और कुशादगी अता फरमा। परवरदिगार जो बेगुनाह असीर हैं दुनिया में कहीं पर भी हैं, उन्हें जल्द से जल्द असीरान कूफा और शाम के सदक़े में रिहाई अता फरमा। मुसलमान जहाँ भी हैं अपनी आज़ादी की जंगें लड़वाएं, उन्हें कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार आपस में मुसलमानों को मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। हमें इस माह मुबारक में परवरदिगार दुआओं की, कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा। हमारे इस महीने की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हमें हज उमरा और ज़ियारात की तौफीक अता फरमा। अल्लाहु मर्ज़ुकना ज़ियारत अल हुसैन फिर दुनिया व शफ़ात फिल आख़िरत। सलावात भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद।